अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधला में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24वीं में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ने दो, उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है। और वह बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार